राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की दो तस्वीरों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें आपको गुस्सा भी दिला देंगी और डरा भी देंगी। स्वाति मालीवाल अपने साथ हुई मारपीट के बाद से ही गायब थी, लेकिन जब वो सामने आई तो सब हैरान रह गए। ये तस्वीरें विदेश में बैठे एक यूट्यूबर और महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाले लेफ्ट लिबरल और फेमिनिस्ट लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अचानक सबकी बोलती बंद हो गई है। ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ होश उड़ा देने वाली बातें आपको बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ जो किया था, वो सभी चीजें सुनकर आप घबरा जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है, लेकिन स्वाति मालीवाल ने जो बयान दिया है वो होश उड़ा देने वाला है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उन्हें विभव कुमार ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मैं चिल्लाती रही, लेकिन विभव कुमार ने मुझे कम से कम 7 से 8 थप्पड़ मारे। मैं पूरी तरह से सदमे में थी और बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। खुद को बचाने के लिए मैंने विभव को अपने पैरों से दूर किया। इसी बीच वो मुझ पर झपट पड़ा और फिर बेरहमी से पीटने लगा। मेरी शर्ट खींची गई, मेरी शर्ट के बटन तक खुल गए। उसने मेरा सिर पकड़ा और टेबल पर मार दिया। विभव कुमार ने अपने पैरों से मेरे सीने, पेट और कमर के नीचे वाले हिस्से पर लात मारी। मैं मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसने बिल्कुल रहम नहीं किया। स्वाति मालीवाल के इस सनसनीखेज आरोप के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। पूरे मामले की जांच के लिए 10 टीमें गठित कर दी गई हैं। विभव कुमार को ढूंढा जा रहा है। लेकिन इसी बीच दो तस्वीरें सामने आई हैं। अपना मेडिकल करा के घर पहुंची स्वाति मालीवाल को आप चलते हुए देखिए, वो किस तरह से लड़खड़ा रही हैं। घटना के 4 दिन बाद भी स्वाति मालीवाल को चलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहमी से उन्हें पीटा गया होगा।